Hey everyone, this is Ashin Ikram and welcome to my YouTube channel. तुमको जैसे पता ही होगा कि मुझे गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है और मैं अभी रिसेंटली जो है मेरा एक रिसेंट प्रोजेक्ट है 1965 फोर्ड मस्टैंग. ये जी जो है ये बेसिकली फोर्ड मोटर कंपनी ने बनाई थी. इट वॉज लॉन्च इन 1965 और बड़ी एक सक्सेसफुल गाड़ी थी ये. इनफैक्ट इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ऑफ हैविंग द मोस्ट सेल्स इन वन डे. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी को कम्प्लीट करने के लिए. शायद आपको मेरी शक्ल से ये लग ही रहा होगा बट ये है कि मैं आपको गाड़ी के पास लेके चलता हूँ अब. तो जी असल में होता है ऐसे, वेलकम टू माय हाउस, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भरी हुई होती हैं हर वक्त. दिस इज अ पोर्शे 356, इज अ मिनी कूपर. हे, आप मेरे घर में जहाँ भी जाएंगे तो आपको इस तरह का थोड़ा सा गाड़ियों का सामान जो है फैला हुआ मिलेगा. और मेरी बीवी जो है बहुत तंग है इस चीज़ से, बट शी हैज़ टू पुट अप विद मी. तो हम लोग इस गाड़ी को काफ़ी सालों से रिस्टोर कर रहे हैं. इट्स बीन अबाउट 3 years आई बीन वर्किंग ऑन दिस कार. असल में टाइम इतना ज़्यादा इसलिए लग जाता है क्योंकि इनका गाड़ियों का सामान बाहर से आना होता है, अमेरिका से इम्पोर्ट हो रहा होता है, सिंस इट्स एन अमेरिकन कार. एंड सामान आते आते काफ़ी टाइम लग गया और हमने इसका पूरा ब्रांड भी, बाकी गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं जिसमें उसकी सारी बॉडी पार्ट्स थे, इंटीरियर पार्ट्स थे, हर चीज़ हमने इसको बाहर अमेरिका से इम्पोर्ट किया. एंड असल में होता है इस तरह है कि इन सारी गाड़ियों के लिए, बिकॉज देर ओल्ड कार्स, 60-70-80 ईयर ओल्ड कार्स, आप इन पर जितने नए पार्ट्स लगाते हैं गाड़ी उतनी अच्छी लगती है और उतनी नई लगती है. ये जी हमारे हेड इलेक्ट्रिशियन हैं जल्जू साहब, बैठ के इसका स्पीडोमीटर जो है बड़ी मुश्किलों से अमरीका से आया है, हिस्सों हिस्सों में टूट टूट के अब ये कंप्लीट हो रहा है. तो असल में मैंने सोचा मैं इस गाड़ी को घर पे लेके आ जाऊं. ये हमारे शरी साहब हैं, ये वहाँ काम नहीं करते हैं तो इनको फिर घर पे बैठ के अटेंशन देनी पड़ती है, फिर काम होता है. तो ये गाड़ी जो है अब ये कम्प्लीट हो रही है. ये हमारे जल्लू साहब रेहान भाई अंदर बैठे हुए हैं, स्पीडोमीटर इसका कंप्लीट कर रहे हैं. आई जस्ट लव द कलर ऑफ द कारपेट इन द कार, इट्स सो नाइस. खैर अभी ये कंप्लीशन पर ही है, इसकी अभी छत लगनी है, रिम्स लगने हैं, इसका ये नया एग्जॉस्ट बना है. थोड़ी देर में मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ. एंड इट्स वेरी स्पेशल कार टू मी बिकॉज मेरे पास ये गाड़ी बचपन में होती थी, मैंने कोई 15-16 साल रखी अपने पास और मेरे पास ये रेड कलर में होती थी, मैं रोज़ चलाता था. आई वॉज 16-17-18 ईयर्स ओल्ड और मैं अपने अब्बा को बताए बगैर स्कूल लेके निकल जाता था. आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज विद नॉट दिस वेरी कार बट सिमिलर कार विच वॉज रेड. तो मैं आप लोग को इसका इंजन दिखाता हूँ. ये 289 V8 है, इसका अमेरिका से इम्पोर्ट होकर आया है, दुबई में बीच में रुका था ये. तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी गाड़ी इस तरह है कि इसके अंदर बेसिकली एक शेवरलेट का इंजन और ट्रांसमिशन जो है डाला हुआ था. ओरिजिनली ये गाड़ी जो होती है वो लेफ्ट हैंड होती है, बट इसको जो है थोड़ा सा आप कह लें बुचर करके इसको राइट हैंड किया हुआ था. इसकी सस्पेंशन, ब्रेक्स, एवरीथिंग वाज रिप्लेस्ड बाय अ शेवरलेट, बट हमने इसको बिल्कुल अपने ओरिजिनल जो स्पेसिफिकेशंस है, जो एक 1965 फोर्ड मस्टैंग V8 की जो होती है, उसकी सस्पेंशन, उसकी ब्रेक्स, उसकी इंजन, उसका ट्रांसमिशन, उसके बाकी सारे पार्ट्स, उसको सारा लेके कंप्लीट कर रहे हैं.